ये है डार्क पिंक हाइब्रिड हिबिस्कस, और दूसरा है हमारा देशी इंडियन हिबिस्कस, लाइट पिंक इंडियन हिबिस्कस। इन दोनों के बीच में हम आज ग्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, एक सक्सेस वीडियो है, रिजल्ट वीडियो है, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स, मैं हूं एरिक। ये देखिए हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुका है, ये 35 दिनों के बाद का रिजल्ट है। ये देखिए ब्यूटीफुल रिजल्ट। इस भरे गर्मी में भी हिबिस्कस में या और कोई भी पौधों में ग्राफ्टिंग हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का तरीका अलग है, हर मौसम का तरीका अलग है। समर में या भरी गर्मी में ग्राफ्टिंग थोड़ा सा अलग प्रकार से हो सकता है, और बाकी दिनों में आप जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें एक धार सी चाकू चाहिए, ग्राफ्टिंग नाइफ। ग्राफ्टिंग नाइफ आपको अमेज़न से मिल सकती है। उसके बाद हम ले लेंगे एक धागा, एक मजबूत धागा होना चाहिए। तीसरा धागा, और हम ये टाई भी ले सकते हैं, कभी कभार हमें सिर्फ टाई की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके जो हम बरसातों में ग्राफ्टिंग करते हैं, बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में सिर्फ हम टाई का इस्तेमाल करते हैं, धागे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक ग्राफ्टिंग टेप, ये एक अमेज़न से लिया हुआ ग्राफ्टिंग टेप है, 100 मीटर लेंथ वाला हमने लिया हुआ था, कुछ 350 रुपये में हमको मिला हुआ है, ये हम जिंदगी भर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक पैर ऑफ सीजर्स, कैंची, छोटी सी कैंची चाहिए धागा काटने के लिए और ग्राफ्टिंग टेप काटने के लिए। उसके बाद हमें एक कटर चाहिए, एक कटर जो हम प्रूनर कहते हैं और या कटर कहेंगे, वो जो भी है आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा हुआ। इसके बाद हमें चाहिए एक पन्नी या प्लास्टिक का बैग, छोटा सा प्लास्टिक का बैग। ऑफ कोर्स बड़ा अगर ग्राफ्टिंग करते हैं हमें बड़ा लगेगा, ये ज़्यादातर हम 6 इंच वाला जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसके लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें स्टरिलाइजेशन के लिए लगेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। दोस्तों ग्राफ्टिंग से पहले हमें सारे हमारे जो टूल्स हैं उनको स्टरिलाइज करना पड़ेगा। आप चाहिए तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आसानी से मेडिकल में मिल सकता है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनमें कोई इन्फेक्शंस फैल ना जाए। फ्रेंड्स ग्राफ्टिंग के लिए हमें एक पेंसिल की मोटाई वाला ब्रांच की ज़रूरत है। ये देखिए हमने इस ब्रांच को चुना है, इसे हम अभी काट देते हैं। इस तरह हमें काटना होगा, शार्प कटर से हमें काटना है, और ये जो है इसको कहते हैं सायन, जो हमने देशी हिबिस्कस से लिया हुआ है, जो पिंक फूल आपने देखा शुरुआत में उस पौधे का ये सायन है। इसे हमें ऐसे काटना है, ये देखिए हमने कैसे काटा है, एक साइड से हमने तिरछा काटना है, क्रॉस काटना है, और वहाँ से थोड़ी सी छाल निकालनी है, और पिछले साइड में हमें कम से कम 1.5 इंच का छाल को निकालना होगा। वैसे हम ये देखिए इस प्रकार से जो रूट स्टॉक है, जो जिस पौधे के ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं उसे हमें बुलाते हैं, हम बुलाते हैं रूट स्टॉक। ये देखिए इस सायन को हमने, वो जो नीचे जो रखा है हमने, वो रूट स्टॉक के अंदर डालना है। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, और ये देखिए ऐसे करके हमें इन दोनों को, यू नो, ये देखिए
इन दोनों को हमने बांधना है अच्छी तरह से। याद रहे दोनों की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर मोटाई में कम ज्यादा होता है तो भी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों जब हम छीलते हैं कैम्बियम लेयर को हमने अलग करना है लकड़ी से। बीच वाली जो लकड़ी होती है उसके साथ कैम्बियम लेयर जुड़ा हुआ रहता है। कैम्बियम लेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप हमारे पिछले ग्राफ्टिंग की वीडियोस खोल करके देखिए, आपको हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिखाई देंगे। ये देखिए हमने ऐसा इस ग्राफ्टिंग जॉइंट को बांधा हुआ है, कस के बांधना है क्योंकि ये जॉइंट बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और इसके अंदर हवा और पानी भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये जॉइंट हिल जाता है वो दोनों कैम्बियम लेयर सूख जाएंगे और इनमें दोनों में कनेक्शंस नहीं हो पाएगा। अगर हिल जाते हैं तो हवा जाएगी या पानी जाएगा और ये सूख जाएंगे। इन्हें हमें बहुत ही अच्छी तरह से बांध के रखना है। दोस्तों याद रहे ग्राफ्टिंग के लिए दोनों एक प्रजाति के पौधों की ज़रूरत है, अलग अलग प्रजाति के पौधों से ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दोस्तों हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ। दोस्तों जैसे आपने देखा इस ग्राफ्टिंग यूनियन को हमने अच्छी तरह से कस के बांधा हुआ है इस ट्वाइन से, इस धागे से। अभी हमने इस जॉइंट को जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग यूनियन, एक ग्राफ्टिंग टेप से एयर टाइट करके बांधना है। ग्राफ्टिंग टेप से ही आप एयर टाइट करके बांध सकते हैं। ऑफ कोर्स आप ऑर्डिनरी पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप जैसे काट करके, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्राफ्टिंग टेप ही लेना है, लेकिन ग्राफ्टिंग टेप के काफ़ी सारे फायदे हैं। इनको जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये देखिए ग्राफ्टिंग यूनियन को हमने इस तरह से बांधना है, बहुत ही टाइट और कस के बांधना है ताकि इसके अंदर हवा और पानी जा ना सके। दोस्तों अब तक आपने देखा जो कॉमन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर जो हम 12 महीने नहीं गर्मी के अलावा इस्तेमाल करते हैं, अब जो हम करने जा रहे हैं ये देखिए इस सायन को, ऊपरी वाला जो भाग है जो लकड़ी या जो ब्रांच हमने ग्राफ्ट किया है उसको भी हमने ग्राफ्टिंग टेप से सील करना है क्योंकि इसको गर्मी के प्रकोप से बचाना है, तभी ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो ये जो सायन है ये गर्मी की वजह से सूख सकता है। दोस्तों इस ग्राफ्टिंग यूनियन के ऊपर बांधा हुआ धागा और ग्राफ्टिंग टेप, इन दोनों को हमने अगले 6 महीने तक खोलना नहीं है। जब तक ये ग्राफ्टिंग यूनियन टाइट नहीं बन जाता है उसको खोलना नहीं है, इसको मैच्योर होने तक हमें छोड़ना है। नहीं तो इसके ऊपर पानी गिर सकता है या हवा जा सकती है या सूख सकता है या सड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तब तक के लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। इसके बाद हमने ये पन्नी, जैसे हमने पहले बताई थी, ये पन्नी को, इस पॉलीथीन बैग को हमने साइन के ऊपर डाल करके ऐसे बांधना है ताकि ये एयर प्रूफ या वाटर प्रूफ बन जाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा भरे गर्मी में पीक समर में ग्राफ्टिंग करने का विधान, सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग करने का विधान। अप्रैल से मई तक भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीका अपनाया तो सक्सेस आपका है। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। गुड बाय।